अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि डॉलर ताकतवर। कई लोगों का ऐसा मानना है कि डॉलर कमजोर होने और मजबूत होने से हमें क्या करना है, लेकिन डॉलर की मजबूती देश की अर्थव्यवस्था को हिला देती है और ये सही भी है। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत लगभग 71.86 रुपए है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम की, जो रुपयों को कमजोरी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आसमान छू रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशा चौहान और आइए देखते हैं न्यूज 29 इंडिया की खास रिपोर्ट, आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में मिलता है, वो इसलिए कि प्रदेश सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगा रखा है। पेट्रोल डीजल और एविएशन फ्यूल पर वैट से 7 साल में मध्य प्रदेश की आय 162% बढ़ गई है। 2010 से 11 में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से मध्य प्रदेश सरकार ने 3,524 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 2017-18 में ये आय बढ़कर 9,252 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार को चुना था युवाओं ने, सभी ने, भारतीय जनता ने, वो सरकार लगातार फेल होती दिखाई दे रही है और बढ़ते दाम से हमारे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये जो बढ़ा रहे हैं रेट, इसकी भरपाई को 2019 में हम बताएंगे, उन्हें वोट नहीं करेंगे, इस सरकार को किसी से वापस नहीं लाएंगे। तो आपको लग रहा है कि पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, अभी शेयर रुपये में जो गिरावट आई है और डॉलर इसको मजबूत हुआ है, तो उसकी वजह से तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। बात रही डॉलर की, मोदी जी ने जैसा कहा था कि मैं रुपए को डॉलर से आगे खड़ा करूंगा, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब बातें झूठी हैं, जो वादे किए थे ये भी सब झूठे हैं उनके। ये भ्रष्ट सरकार थी, इसी तरीके से मुझे लगता है कि 100 से ऊपर पहुंचाएंगे और गरीब जनता को इसी तरीके से परेशान करेंगे। हम आपको बताते हैं कि सरकार कैसे पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलती है। पेट्रोल की कीमत 83.96 पैसे प्रति लीटर है। अब इसमें से केंद्र सरकार 19.38 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेती है। मध्य प्रदेश सरकार तीन तरह के टैक्स वसूल कर खजाने भरती है, 28% वैट, 1% सेस और 4 रुपए प्रति लीटर एडिशनल टैक्स, कुल 27.25 रुपए प्रति लीटर। इस तरह दोनों सरकारें 46.73 रुपए एक लीटर पेट्रोल से टैक्स वसूलती है, जो आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। डीजल के बढ़ते दाम भी वाहनों की तरह सर पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण महंगाई का भूत एक बार फिर निकल कर बाहर आ गया है। यदि हम व्यापारी एसोसिएशन की माने तो डीजल के बढ़ते दामों के कारण माल ढुलाई में 20-30% महंगाई हो गई है। अब इसका सीधा असर आम जनजीवन में उपयोग होने वाली वस्तु पर देखने को मिल रहा है। डीजल की कीमत 73.38 पैसे प्रति लीटर है। केंद्र 15.33 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेता है। मध्य प्रदेश 22% वैट और 1% सेस के साथ 15.97 रुपए टैक्स लेती है। दोनों सरकार कुल 31.30 रुपए टैक्स वसूलती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार रिकॉर्ड छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया और क्रूड की बढ़ती कीमतों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मोदी सरकार ने जून महीने में पेट्रोल डीजल के दीर्घकालिक समाधान की बात कही थी, लेकिन अभी तक आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। अगस्त के महीने में पेट्रोल डीजल 1-1 रुपए महंगा हो चुका है। इसके बाद भी सरकार दाम कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार की मनमानी या तानाशाही के कारण मरण आम आदमी का हो रहा है। सरकार को पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम कम करना चाहिए। महंगाई पेट्रोल के अंतर्गत नहीं किया गया है, पेट्रोल का पहले सरकार को पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए और जो महंगाई इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के दामों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। तुर्की में जारी आर्थिक संकट के कारण रुपए में गिरावट चल रही है। ऐसे में ऑयल कंपनियों को कच्चे तेल की आयात करने के लिए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं।
लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल से प्रदेश में आम लोगों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राज्यों में वैट कम करने के निर्देश देने के बाद भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने से साफ इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि पेट्रोल डीजल से वैट कम नहीं होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से होने वाली आय कम नहीं करना चाहती, इसलिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से वैट टैक्स कम करने को कहा है। राज्य सरकारें भी राजकोषीय स्थिति का हवाला देकर फिलहाल टैक्स कम करने के मूड में नहीं दिख रही है। गौरतलब है कि अक्टूबर में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है दिन पे दिन, इसमें गिरावट की जगह इसमें इंक्रीमेंट होते जा रहा है दिन पे दिन। कभी एक रुपए का, कभी दो रुपए, आज के जमाने में एक रुपए की कीमत होता है, कभी बोलते हैं 80 रुपए की रेंज में मिलेगा। आज की डेट में भी इंक्रीमेंट है और कुछ भी, मतलब पेट्रोल के दामों में कुछ भी कम नहीं हो रहा है, और ऐसे में आम आदमी को वो ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहले जब आप पेट्रोल डलाते थे तो उसमें अभी 48 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है पेट्रोल में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेट्रोल तो बढ़ती जा रही है, दाम देते हैं 1 रुपये बढ़ा देते हैं, 20 पैसे घटा देते हैं। पहले कितने का पेट्रोल डलाते थे और अब आप पेट्रोल डलाते हो उसमें कितने पैसे का इजाफा हुआ महीने में? पेट्रोल के दाम बढ़ने से देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है, जिनका वेतन 8 से 10 हजार होता है। ऐसे लोगों के लिए बाइक चलाना या मोटरसाइकिल चलाना भारी पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के आसमान छूते भाव से इनकी जेबें ढीली हो रही है। यदि एक सामान्य सी बात की जाए तो 8 से 10 हजार रुपए कमाने वाला आम आदमी पेट्रोल पर आज के समय में 300 से 400 रुपए ज्यादा खर्चा करने पर मजबूर है। अब ऐसी स्थिति में पेट्रोल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह वही की वही है। देखा जाए तो आरबीआई की तरफ से ना रुपये को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए कोई राहत का कदम उठाया गया है। पीस रहा है तो सिर्फ आम आदमी। आप देख रहे थे न्यूज 29 इंडिया की खास रिपोर्ट, आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम।